ये साइड का जो हंच है उसके बारे में बतला रहे हैं। उधर से बॉटम लेयर कैंटिलीवर का बॉटम लेयर होकर आ रहा है, यहाँ पर जो बेंट हुआ ठीक इसका बीच में कह सकते हैं, जैसे इन साइड का जो मेन गर्डर है उसके बीच से जो हुआ है ये बेंट जो होना यहीं से शुरू हुआ। तो यहाँ पर ये बिचला स्लैब का बॉटम लेयर का जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसको छुआ है, पर अब वहाँ से नहीं छुआ है निचला, तो यहीं से उठ गया पहला छुआ। ऊपर का जो है ऊपर का कहाँ पर आकर, तो यहाँ से एक दो तीसरा का ऊपर का लेयर का जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उससे नीचे से आकर चौथा और पाँचवा में ऊपर से है, चौथा और पाँचवा में ये देख सकते हैं इसका ऊपर से है और पाँचवा में भी इसका ऊपर से है, तीसरा जस्ट इसके ऊपर से। और यहाँ से ये जो है तीसरा को यहाँ छुआ है, तीसरा के बाद आकर यहाँ से फिर ये स्ट्रेट होते जा रहा है, स्ट्रेट होते होते इसके ऊपर में गया, ऊपर का लेयर का लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर में, यहाँ भी पाँचवा के भी लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर में। और इससे कुछ फर्क होगा, कहाँ पर फर्क होगा, जहाँ पर आपको क्या आया है, जहाँ पर आपको क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा बार जहाँ पर है वहाँ देखते हैं कैसे हुआ। ये कौन सा एक्स्ट्रा बार, तो आपको इंटरमीडिएट जो क्रॉस गर्डर है तो वहाँ पर जो बोले थे इस डायरेक्शन में एक्स्ट्रा बार जो दिया गया है, अब वहाँ पर देखना है इसको क्या होता है, इसके बारे में हम अगला वीडियो में बताते हैं। यहाँ तो क्लियर है, निचला पहला लेयर को यहीं यहाँ से निकलते ही छोया इनर गर्डर से, निचल का पहला लेयर का पहला लॉन्गिट्यूडनल बार को छोया वहाँ पर, उसके बाद जो है सो चौथा और पाँचवा ऊपर का लेयर का तीसरा को जस्ट छू के यहाँ से स्ट्रेट हुआ, यहाँ से फिर स्ट्रेट हो गया है। और यहाँ ये तीन ठो ऊपर का लेयर का तो ऊपर है, यही बात आपको एक्स्ट्रा बार जहाँ दिया गया है वहाँ पर क्या होता है। यहाँ जैसे कि इंटरमीडिएट गर्डर है, यहाँ से इंटरमीडिएट गर्डर से यहाँ आया है, इसके लिए हम मतलब